पश्चिमी सभ्यता है वही कुल खानदान में करेगा ये, कहीं भी टैटू बनता है सब जगह बनाता है सब आजकल। दुल्हन के तेजस्वी के जीवन में आने पर उनके परिवार के लोग खुश हैं, दुश्मन भी बधाइयां दे रहे हैं, वहीं उनके मामा इतने खफा हैं कि शब्दों की मर्यादा तोड़ दिया है। रिश्तों के बंधन तो लालू परिवार से पहले ही साधु यादव ने तोड़ दिया था, लेकिन अब शब्दों की मर्यादा भी साधु यादव तोड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव की शादी हुई, लड़की को लेकर जिस तरीके से मामा साधु यादव ने आज बिलेन वाला बयान दिया है, इसे सुनकर तेजस्वी यादव के समर्थक और उनकी पत्नी के चाहने वाले लोग जाहिर सी बात है आज मामा को फिर कंस कहेंगे। दरअसल पटना में बैठे मामा दिल्ली में हुई शादी में बुलाए नहीं गए थे। आपको बता दें कि लालू परिवार ने साधु यादव और सुभाष यादव यानी लालू यादव ने अपने ससुराल से रिश्ता पहले ही तोड़ लिया था। जिस शादी का कभी जिक्र साधु यादव किया करते हैं, उसी मीसा भारती ने तेजस्वी यादव की शादी में बड़ी बहन की भूमिका में वह सारी नेग और सारा विधि विधान की, सबसे ज़्यादा खुश वही थी। उसी मीसा भारती का हवाला देकर मामा साधु यादव आज तेजस्वी के ऊपर भड़के हुए हैं। तेजस्वी यादव के ऊपर ही नहीं बल्कि उनकी नई नवेली दुल्हन को लेकर जिस तरीके से मामा ने शब्दों की मर्यादा तोड़ी, वो शब्द हम आपको ना बता सकते हैं और ना ही सुना सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि क्या कोई मामा इस तरीके से रूठ जाएगा कि अपने ही अपनों को इस तरीके से सरेआम समाज में बेइज्जत करेगा, गालियाँ देगा। तेजस्वी यादव की पत्नी को लेके जिस तरीके की एक फ़ोटो साधु यादव अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और उस फोटो पे क्या कुछ कह रहे हैं, वो अशोभनीय है। वो शब्दों की मर्यादा नहीं है और वो किसी रिश्तेदार की भाषा नहीं है, क्योंकि तेजस्वी जिस लड़की को लेकर खुश है, जिसे पाकर वो अपनी ज़िंदगी में सबसे बेहतर समझ रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनके जीवन की ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो उन्हें मिली है। सत्ता का सुख भले तेजस्वी यादव ने ज़्यादा दिन नहीं भोगा, लेकिन पत्नी का साथ मिलने के साथ ही तेजस्वी के चेहरे पर जो मुस्कान है और परिवार के लोगों में जो खुशी है, उस खुशी के ऊपर उनके मामा ने ही नज़र लगा दिया है। ये नज़र देखिए किस तरीके से, जिस बहू को लालू परिवार ने अपने आंखों के पलकों पर बिठाया है, उस बहू को लेकर मामा साधु यादव ने क्या कुछ कहा है। साधु यादव का कहना है कि जिस लड़की पश्चिमी सभ्यता के वो आदि हो गई हो, जिस तरीके से उसने सरेआम अपने शरीर की नुमाइश की हो, उस लड़की के लिए तेजस्वी ने समाज का सर नीचे कर दिया। तेजस्वी ने अपनों से अपनों को अलग कर दिया। तेजस्वी के ऊपर मामा का जो आरोप है वो सीधे तौर पे बताता है कि तेजस्वी की शादी में निमंत्रण नहीं मिलने का गुस्सा मामा इस कदर पटना में अब मीडिया के सामने बोल रहे हैं, अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि शायद रिश्ते भी शर्मसार हो जाएं और नाते टूट जाएं। जिस डोर में मामा भांजा बंधे थे वो डोर पहले टूट गई थी, लेकिन आज साधु के बयानों ने उस रिश्ते पर एक और बड़ा सवाल उठा दिया कि क्या कोई भगना अपने मामा को कंस कहने से एक बार फिर चूक जाएगा। क्या साधु यादव ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, वो अपनी घर की नई बहू के लिए कहना क्या वाजिब है? सवाल कई सारे हैं, आखिर साधु का गुस्सा कितना क्यों? पश्चिमी सभ्यता है वही कुल खानदान में करेगा ये, कहीं भी टैटू बनता है सब जगह बनाता है सब आजकल। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। बटको चाहे जहाँ काम होगा सिर्फ यहाँ, ग्रह कलेश कर्ज मुक्ति प्रेम विवाह जादू टोना पति पत्नी में अनबन सौतन या दुश्मन से छुटकारा विदेश यात्रा में रुकावट फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी, अभी कॉल करें 9821707996।